अभी पिछले हफ्ते नजारे देखे कि वित्त मंत्री, जो कि परंपरा है, बजट से पहले हलवा बना रही होगी। पूरी अर्थव्यवस्था का रायता बनाने के बाद हलवा बनाने के ये नजारे देखकर थोड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, जो पिछले 10 साल हम बार बार कहते हैं कि अन्याय के साल, अन्याय काल जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आज फिर से शुरू हुई है 2 दिन के ब्रेक के बाद। इस अन्याय काल के 10 साल पूरे हो रहे हैं, आखिरी बजट इस सरकार का आने वाला है, और जो इस सरकार की आदत है हर चीज को इवेंट बना के चमक धमक से असलियत को कैसे ढक देना, हाउ टू श्राउड द रियलिटी बिहाइंड द डैजल ऑफ एन इवेंट, ये इस सरकार की एक, मुझे लगता है हम सबको सीखना चाहिए। बजट भी ऐसा ही होगा, उसमें भी बुरा लगता है माननीय वित्त मंत्री हैं तो वित्त मंत्री कहलाने के लिए, लेकिन वो एक रेडीमेड भाषण में मोदी जी की तारीफ हर दूसरे तीसरे लाइन में करेंगी। लेकिन जो असलियत है, अभी इसी हफ्ते की खबर आपने देखा कि इजराइल, जहां की एक संघर्ष चल रहा है, हिंसा हो रही है, 10,000 वैकेंसीज के लिए यूपी और हरियाणा के हमारे कई नौजवान लाइन में लगे हुए थे, एक ऐसी जगह जहां जान जोखिम में डालकर वो नौकरी करने जा रहे हैं। आंखें खोल देती हैं वो नजारे। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग जो हमारी उम्र के हैं, जब कुवैत में संघर्ष हुआ था तो हिंदुस्तान के जितने लोग, जितने परिवार जिनके लोग कुवैत में नौकरी करते थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे वो स्पेशल फ्लाइट्स में लौटेंगे। वो वक्त और आज का दौर, संघर्ष चल रहा है, जंग चल रही है, लेकिन लोग यहां सिर्फ 10,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं जहां खतरों से खेलकर थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे। ये अंतर आया है जिसको ये अमृतकाल कहते हैं और जिसको हम अन्याय काल कहते हैं। हम क्यों अन्याय काल कहते हैं, ये नजारे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्याय काल क्यों है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां निकली, 60,000 के लगभग भर्तियां हैं, 51,00,000 एप्लीकेंट्स, देर आर 60,000 वैकेंसीज इन उत्तर प्रदेश पुलिस एंड 51,00,000 एप्लीकेंट्स। एक तो बड़े सालों के बाद भर्तियां निकली हैं, आप सोचिए कि क्या स्थिति है हमारी नौजवानों की विशेष तौर पे। अब इन 51,00,000 भर्तियों का जो प्रक्रिया होगी, आप इसमें कैसे इंटरव्यू लेंगे, कैसे फिजिकल करेंगे, क्या उसका मापदंड होंगे, केओस एज वी से इन इंग्लिश। तो इस अन्याय काल में आप, मैं 2 आंकड़े देना चाहता हूं, मेरी प्रेस रिलीज में बहुत आंकड़े हैं, मैं अभी वो आंकड़े नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जो चौंका देने वाले आंकड़े, दीज आर डेटा पॉइंट्स विच वोंट लेट यू स्लीप। 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में जवाब में दिया गया है। 1 किसान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। तो जवान और किसान की स्थिति आपके सामने है, अग्निवीर योजना आपके सामने है, जो मजबूरियां हमारी मिडिल क्लास झेल रही है उसके भी आंकड़े मैंने अपनी प्रेस रिलीज में दिए हैं। जो आम आदमी पर जो टैक्स लगता है वो 55% से बढ़ा है, लेकिन जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनका 2%, 2 से थोड़ा ऊपर, 3 से नीचे प्रतिशत बढ़ा। यह आंकड़ा आपको बताता है कि जो डिस्पैरिटीज हैं वो कितनी भयानक होती जा रही। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाता है कि ये उपभोक्ता चलाते हैं, इट्स अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो कंजम्पशन का डेटा भी मैंने आपको दिया है कि जो 21 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कंजम्पशन में भी गिरावट आई है।
21 साल का रिकॉर्ड कोई छोटी बात नहीं होती। FMCGs की जो सेल है 2023 में फिर से नहीं बढ़ी, नहीं दिखी बढ़ती हुई, और जो घरेलू बचत है उसका 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कम होने 50 years record of household savings has been broken। इसलिए जितनी आप तड़क भड़क करके इवेंट्स करते हो, ऑप्टिक्स देते हो, टेलीविजन पे नजारे दिखाते हो, असलियत क्या है वो आपके सामने इन आंकड़ों से दिखती है। और अगर आंकड़ों में भरोसा नहीं है, दिल्ली से थोड़ा दिल्ली के भीतर कुछ बस्तियों के मैं आपको नाम देता हूं, वहां घूम लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा असलियत क्या है। छोड़ दीजिए बस्तियों को, मिडिल क्लास की क्या हालत है वो देख लीजिए। तो ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े तो कुछ सच बताते हैं, बाकी सच आपको जानना है आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। रास्ते में आप लोगों से मिलिए, उनकी स्थिति देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये अन्याय काल है और क्यों राहुल गांधी जो 5 स्तंभ न्याय के बता रहे हैं उन पर क्यों वो ज्यादा जोर दे रहे हैं युवाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि मैंने आपको आंकड़ा दिया बेरोजगारी का, मैंने आपको आंकड़ा दिया आत्महत्याओं का, और जिस देश में हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं उस देश में और कोई मुद्दा कैसे चर्चा का विषय बन सकता है मुझे नहीं समझता। किसान जवान इन दोनों की जो स्थिति है, मिडिल क्लास की जो स्थिति है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि ये जितना भी ये आर्टिफिशियली इवेंट्स ला लाकर हम सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं, असलियत नहीं छिप सकती। तो युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय, ये तमाम जो 5 स्तंभ हैं ये समाज के उस हर वर्ग के लिए न्याय की बात करते हैं जिनको पिछले 10 साल में अन्याय का दंश झेलना पड़ा। सेना की जो पक्की नौकरियां हैं वो बंद हैं, ये स्थिति में हम कैसे आए हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए तो साहब 25 साल 50 साल ऐसे ऐसे नारे होते हैं, 25 साल तक भाजपा, 50 साल तक भाजपा, लेकिन जो फौजी सीमाओं पर जाएगा उसको 4 साल देंगे, खुद के लिए 50 साल, फौजी के लिए 4 साल। ये अन्याय काल की स्थिति में आपको बताना चाहूं, और बड़ा घमंड से कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देंगे, ये घमंड की बात है, ये किसी भी सरकार के लिए शर्म में डूब मरने की, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस डेटा दैट 80 करोड़ पीपल हैव टू डिपेंड ऑन फ्री रेशंस। दिस इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट, दिस पर्टिकुलर डेटा इज अ रिपोर्ट कार्ड, अ शेमफुल रिपोर्ट कार्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये सारे आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग बड़े रेस्टलेस हो रहे हैं क्योंकि आपके मन में जो सवाल हैं वो अलग हैं। मेरी प्रेस वार्ता अर्थव्यवस्था पर है और अन्याय काल पर है, जिस अन्याय और न्याय पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये इस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हेडलाइन मैनेजमेंट एक स्तर तक जरूर काम आती है, लेकिन आप 70-80% लोगों की जिंदगी में जो हो रहा है उससे मुंह मोड़ के राजनीति कर रहे हैं, तो आपको राजनीति करने का या पत्रकारिता करने का हक नहीं है। आपके सवाल। बिल्कुल की थी, किस नियत से की थी हमें नहीं मालूम। एक आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और उनको भी छोड़ दीजिए जिनके साथ वो जा रहे हैं, जो 400 सीटों का दम भरते हैं, दावा करते हैं, ये है असलियत। ऐसे ला रहे हैं आप, ईडी, सीबीआई, कभी किसी को डरा दबा के ले आए,
अब पता नहीं उनके ईडी है सीडी है हमें नहीं मालूम, जो भी है नीतीश बाबू को भी ले ही आए ना। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको। यहीं से मालूम पड़ता है कि आप असलियत जानते हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राहुल जी यात्रा शुरू करते हैं तो बंबई में ये लोग किसी को ले जाते हैं हमारे यहां से, ले जाइए। राहुल जी की यात्रा बिहार जा रही है तो वहां फिर इस तरह की हरकतें शुरू हो गई। आप सोचिए ये यात्रा का इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर कितना खौफनाक हो रहा है उनके अंदर, आप ये सोचिए स्थिति क्या है। जिस राज्य में जाते हैं, आसाम में तो मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री पद ही छोड़ दिया, हमारी यात्रा के प्रचार मंत्री बन गए थे। और जो मनोरंजन मिला हम सबको, पूरे देश को, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, वो मनोरंजन बड़ा अच्छा था। हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगले 3 महीने हिमंता बिस्वा शर्मा को हमारी यात्रा का प्रचार मंत्री बना दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये यात्रा 10 साल के अन्याय को एक्सपोज कर रही है, उसको सामने ला रही है। और कांग्रेस की क्या विजन है न्याय की, उसको सामने ला रही है, जिससे बौखलाहट बड़ी स्पष्ट है। आप कभी एक बड़ा इवेंट कर देते हैं, उसको 1 हफ्ते तक भुना सकते हैं, फिर क्या करोगे? यात्रा तो चल रही है, फिर कुछ और करेंगे, 1 हफ्ता और आप सबको व्यस्त रखेंगे, हम सबको व्यस्त रखेंगे, यात्रा फिर भी चल रही है। ये यात्रा तो मार्च तक चलेगी, अब कितनी सरकारें गिराओगे, कितनी ईडी सीबीआई भेजोगे, करते रहो। यात्रा ना केवल चल रही है, यात्रा का संदेश पूरे देश में फैल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ। 10 साल लोग टीवी देखते रह गए, बिजी रह गए, पता चला घर की हालत ही हो गई। तो आपको जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये जानना आवश्यक है। ये इसीलिए हो रहा है कि ये 400 पार वाली जो नारे लगाते हैं वो असलियत जानते हैं। ये इसीलिए हो रहा है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की से घबराए भी हुए हैं, उसका असर भी जानते हैं। एक बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कई जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों के चलते हमारा प्रयास रहा मालूम होते हुए भी, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने कहा, मालूम होते हुए भी हम चुप रहे, लेकिन पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। यह संदेश आज स्पष्ट हो गया, जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो चले जाते हैं उनकी 2 ही मजबूरियां होती हैं, या ईडी होती है या सीडी होती है, तो मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है। जी हमारे मित्र हैं, हम पूरा देश सुन रहा है। 1 हफ्ते पहले त्यागी जी क्या कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था, 1 हफ्ते बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहा है, 1 महीने बाद क्या कहेंगे वो भी सुनेगा। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है। पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस हकीकत जानता है कौन नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाने के लिए सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा था, ये भी सबने देखा, सब जानते हैं। और नीतीश बाबू जब अपने कमरे में अकेले होंगे, आईने के सामने जाएंगे, तो उन्हें भी हकीकत मालूम है कि किसने उनके लिए क्या किया। कोई और पार्टी ऐसी जाने की कोई कोशिश नहीं कर रही, गठबंधन का एक सफर होता है, एक यात्रा होती है, उस यात्रा में स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, उस यात्रा में रेड लाइट्स भी आती हैं, उस यात्रा में येलो लाइट्स भी आती हैं, और फिर उस यात्रा में ग्रीन लाइट्स भी आती हैं, और फिर मंजिल भी आती है। आप बड़ी पुरानी पत्रकार हैं, आप जानती हैं, आपने कई गठबंधन देखे हैं, अटल जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं, नरसिम्हा राव जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं आपने। तो गठबंधन का सफर लगभग इसी तरह का होता है जैसा कि आज आप देख रहे हैं।
Not everything can be revealed at this stage. There are processes that are behind the curtains, but those processes are going on always. And at the right time, the outcome is shared with people and the media. There are processes that are, as I said, these processes are ongoing, always. नहीं कोई खफा नहीं है, खफा की कोई बात नहीं होती. गठबंधन में इस तरह की बातें होती हैं, चर्चाएं भी होती हैं. कुछ चर्चाएं सार्वजनिक होती हैं, कुछ चर्चाएं सार्वजनिक नहीं और कमरे बंद कमरों में होती हैं. लेकिन अंतोतगत्वा एक आम सहमति से निर्णय लिया जाता है और वो सामने आता है.